गोलमाल अगेन को भारत में लगभग 3,550 स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया था। दिवाली के मौके पर आई रिलीज़ गोलमाल अगेन की खबरों के मुताबिक फिल्म को 85 करोड़ से 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसमें 65 करोड़ रुपये प्रोडक्शन लागत है, जबकि 20 करोड़ रुपये की प्रमोशन के लिए खर्च किए गए हैं। फिल्म के धमाकेदार कलेक्शन ने पहले 5 दिनों में ही ब्लॉकबस्टर का ताज इस फिल्म को दिलवा दिया। ये फिल्म काफ़ी अच्छी कमा रही है। फिल्म दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने अपने 7वें दिन भी 8.14 करोड़ की कमाई करके ये बता दिया कि कॉमेडी फिल्में किसी भी मामले में एक्शन फिल्मों से कम नहीं होती। फिल्म गोलमाल अगेन ने शुरुआती 7 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने अब तक 29.03 करोड़ का कलेक्शन विदेश में भी किया है। कुल मिलाकर ये फिल्म 150 करोड़ का कलेक्शन पार भी कर चुकी है। गोलमाल फिल्म रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन में बनी ये गोलमाल का 4वां पार्ट थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। ये फिल्म और कितने करोड़ कमाएगी और 200 करोड़ पहुंचने में कितने दिन और लेगी, ये तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।